संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसको घायल हालत में गिरफ्तार किया गया। वहीं एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। फिलहाल घायल बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ हुई है गुन्नौर में, क्या मामला है? जनपद संभल के थाना क्षेत्र गुन्नौर में एक पुलिस एंगेजमेंट हो गई है, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है। ये शाम को एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी, जिसकी घेराबंदी की गई थी। पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चला गया था। इस दौरान एक अपराधी की सूचना मिली कि वो जुनावई की तरफ भाग रहा है, तो उसकी घेराबंदी दो तीन थानों की फोर्स ने किया, जिसमें उसने एक पुलिस पे फायर किया। हमारा एक सिपाही घायल हुआ है। इसी दौरान पुलिस एंगेजमेंट में एक अपराधी भी घायल हुआ है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जानकारी में अभी आया है कि ये लगभग एक दर्जन से ज़्यादा लूट और चोरी, नकबजनी आदि के मुकदमे इस पर दर्ज हैं, तो इसका गंभीर आपराधिक इतिहास है। नोटोरियस अपराधी था ये, और अभी घायल हुआ है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका नाम प्रकाश मा है क्या? हाँ, अभी पता चला है कि ये बबलू नाम है इसका, बबलू अपराधी है ये। तो सर, क्या कोई फरार भी हुआ है क्या? हाँ, इसका एक साथी फरार है मौके से। एक साथी इसका फरार हुआ, जिसकी ही कॉम्बिंग चल रही है। पूरे क्षेत्र में अभी कॉम्बिंग चल रही है। तीन चार थानों की पोस्ट और हमारे सीओ गुन्नौर और ये इंस्पेक्टर गुन्नौर, धनारी इंस्पेक्टर, ये सब लगे हुए हैं। क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। इसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है।